हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ योगा बेसिक्स। आई एम डी, यू आर वॉचिंग डी योगा फिटनेस। टुडेज वीडियो विल प्रैक्टिस बद्ध कोणासन, विच इज कॉल्ड बाउंड एंगल पोज और बटरफ्लाई पोज। सो बहुत सारे नाम है इसका। सो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। इसका बेनिफिट का अगर बात करेंगे तो बद्ध कोणासन में बहुत ही सारा बेनिफिट है। इसमें आपका मेन चीज़ जो है, आपका इंटरनल ऑर्गन का, जो किडनी का, आपका जो ब्लैडर का फंक्शन सही रहेगा। आपका कुछ भी किडनी रिलेटेड और यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड मेन थिंग, आपका जो हिप है, पूरा दिन बैठ के जो काम करने के बाद जो हिप में जो स्ट्रेस रहता है वो आपका रिलीफ होगा। एंड आपका हिप ओपन करने के लिए बहुत सारा मदद करेगा। एंड उसके साथ भी आपका जैसे कि थाइस का स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। सो गाइज, बहुत ही सारा बेनिफिट्स है। सो विदाउट डिले, लेट्स मूव टू प्रैक्टिस। सो बद्ध कोणासन के लिए पहले क्या करना है, दोनों लेग्स थोड़ा आगे कर दीजिए। अगर आपका हमेशा, आई विल प्रीफर अगर आपके पास योगा ब्लॉक है, अगर आपका पास ब्लैंकेट है और ऐसा एक टॉवल, अभी मैंने एक बड़ा वाला टॉवल लिया हूँ, सो आप उसके ऊपर बैठ सकते हैं, लेके आप सो आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि आपका जो लेग्स नीज अच्छा से नीचे प्रेस हो सकता है, हो सके। सो फर्स्ट व्हाट विल डू, दोनों फिट टुगेदर करके हमें हमारा ग्रोइन और पेल्विस का नीचे ऐसा लेस करना है। पहला क्या करना है, इसका जो फाइनल पोस्चर जाने से पहले हमें थोड़ा सेम पोस्चर में प्रैक्टिस करना है। कैसा, दोनों लेग्स अगर आपका यहाँ ज़्यादा पेन है आप थोड़ा आगे दे सकते हैं, मतलब जहाँ पे आपका कंफर्टेबल है उसी पोस्चर में आपको फाइनल करके रखना है। सपोज मेरा यहाँ कंफर्टेबल है, नो इश्यू, बट दोनों लेग्स डोंट पुश मोर। अगर लेग्स में आपका थाइस में पेन है, डोंट प्रैक्टिस। सो बेटर अगर आपका पास योगा ब्लॉक्स है, सो यू कैन प्लेस हियर। आई डोंट हैव, मेरा पास अभी नहीं है योगा ब्लॉक्स। सो अभी थोड़ा प्रिपेरेटरी के लिए प्रिपेयर करेंगे बद्ध कोणासन के लिए। यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, देन दोनों हाथ पीछे प्लेस करके थोड़ा इनहेल एक्सेल करेंगे। एक्सेल आराम से। अभी देखिए धीरे धीरे आपका लेग्स, आपका जो जॉइंट है थाइस का, धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। देन यू विल फील सम लिटिल कंफर्टेबल, रिलैक्स। नाउ इनहेल करके थोड़ा रिलैक्स करना है, नॉर्मल पोस्चर पर रिलैक्स। सो देन अगेन विल कम टू पोस्चर, लेस कीजिए। यहाँ पे आपको आपका जो थंब है दोनों यहाँ पे प्रेस करके ऐसा लेग लॉक करना है। एंड इनहेल करके धीरे धीरे आपका हिप से आना है आपको फॉरवर्ड। सपोज आप यहाँ तक आ रही हैं, आपका जो एल्बोज है, एल्बो में थोड़ा थाइस को नॉर्मल हल्का सा प्रेस कीजिए। धीरे 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 एक्सेल कीजिए। सपोज आप यहाँ तक आ गए, आपका अभी स्टिल दिस पोस्चर यू आर कंफर्टेबल, राइट, नो इश्यू, यू कैन कम यहाँ तक कर सकते हैं। देन थोड़ा रुक जाइए यहाँ पे, एक अच्छा गहरा सांस लीजिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। नाउ इनहेल करके ऊपर आ जाइए, रिलैक्स। अभी फ्रॉम दिस पोस्चर आपको आपका दोनों हैंड को इंटरलॉक करके ऐसा दोनों थंब के बीच में जो टो है बीच में प्रेस करना है ऐसा आपको। देन इनहेल चेस्ट ऊपर करके एक्सेल करना है धीरे धीरे आके, फिर सेम पोस्चर में थोड़ा रुकना है। देन इनहेल एक्सेल, अगेन इनहेल करके आपको एक्सेल करना है धीरे 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 आके, आपका फोरहेड को ग्राउंड में प्रेस करना है। अगर सही तरह प्रैक्टिस नहीं किए हैं, अगर आपका फोरहेड यू आर अनेबल टू टच टू ग्राउंड, सो नो इशू, स्टिल यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए, नो इशू। सो इनहेल, देन कम स्लोली डाउन, कम डाउन, देन प्लेस योर हेड ऑन ग्राउंड, इनहेल
एक्सेल आराम से एक्सेल कीजिए। नाउ इनहेल, डोंट प्रेस हियर टू योर लेग्स, नो इशू, यू कैन ओपन लाइक दिस, जस्ट जेंटली अप टू प्रेस थ्रू योर एल्बोस। नाउ इनहेल करके धीरे धीरे नॉर्मल पोस्चर पर आना है और रिलैक्स। अभी आप आपका दोनों लेग्स थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठने के बाद थोड़ा पेन होगा, सो रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स। सो आज का वीडियो था बद्ध कोणासन का। आई होप आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी लाइक इशू है प्रैक्टिस करने के टाइम में, आप कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आप मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है आप वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सो आई कैन गाइड यू पर्सनली, नो इश्यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। सो थैंक यू फॉर प्रैक्टिस विथ डी योगा फिटनेस। कीप वॉचिंग डी योगा फिटनेस।